आपको सात वास्तु के ऐसे दोष बताने वाला हूं, अगर वो आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके मकान में है तो वो आपको बहुत बड़े लेवल पर बर्बाद कर सकते हैं, जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। या मैं दूसरी भाषा में ही बात बोलूं तो ऐसे सात चीजें जो वास्तु में भूल कर भी आपके घर में कभी भी ना हो। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है उस चीज को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करना, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन। जब भी हम नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन जब हम बात करते हैं तो पहले ये सीख लेना जरूरी है कि ईशान कौन एक्चुअल में क्या होता है। बहुत सारे लोग जैसे इसको पूर्व मान लिया है, आपका घर का यहां से सूरज उगता है तो इसको ईशान कौन मान लेंगे, जो लगभग गलत है। ईशान कौन मानने के लिए इस घर को ग्रिड कराना है 16 इक्वल पार्ट में, और जहां पर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आएगा सिर्फ वही ईशान कोण माना जाता है। अगर इस ईशान कोण में, इस उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपके टॉयलेट या किचन है तो यह आपके लिए बीमारीदायक हो सकती है, आपका दिमाग कभी नहीं चलेगा, घर में अपंग बच्चों का पैदा होना, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है, पैरालिसिस दे सकता है, कैंसर दे सकता है और आपके जीवन को बर्बाद या बहुत ज्यादा बर्बाद कर सकता है। तो वास्तु में सबसे पहला बड़ा दोष जिसको हम कहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट का दोष ही कहा जाता है। बाकी सारे दोषों से फिर भी उपाय पाया जा सकता है, जिंदगी निकाली जा सकती है, लेकिन जब आपका शरीर ही नहीं बचा तो आप आगे क्या करोगे। और जितने भी लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन पाई जाती है सभी को कैंसर और पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो ही जाती है। आप सभी लोग चेक कीजिए। और एक और बात कि इसका कोई उपाय नहीं है, अगर आपके घर में ये है तो शिफ्टिंग ही एकमात्र उपाय बचता है। बहुत सारे लोग आजकल नॉर्थ ईस्ट की किचन और टॉयलेट का उपाय करवाने लगे हैं, मैं आप सभी लोगों को सही राय दूं तो उनसे बचने की कोशिश कीजिए। दूसरे नंबर का उपाय है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस या साउथ वेस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस या साउथ वेस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक क्या करता है? साउथ वेस्ट इसको कुछ लोग नैऋत्य बोल देंगे, फिर से मैं बोल दूं इसको दक्षिणी पश्चिम भी बोल देंगे, दक्षिण पश्चिम भी बोल देंगे। ये कहां पाया जाता है? जहां पे आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट में। ये अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है तो यहां पर ये जो पाया गया सेंटर से लेकर लास्ट तक जो आपकी दिशा ये आई, इस पूरे को साउथ वेस्ट दिशा कहा जाएगा। इस दिशा में अगर एंट्रेंस है या ओवरहेड वाटर टैंक है तो ये आपको बहुत बड़े लेवल पर बर्बाद कर सकता है। कर्जा नंबर वन बहुत ज्यादा देता है, लोगों से आपको दूर कर देता है, लोग आपसे कटने लगते हैं। और ओवरहेड वाटर टैंक है तो वो आपको हार्ट अटैक जैसे बड़े इश्यू दे सकता है, जैसे कि एकदम से घर में सडन डेथ हो जाए। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि जी हमने बहुत सारे लोग देखे जिनकी साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है पर वो तो बहुत फल रहे हैं। आप एक बार नक्शे को ग्रिड करवाइए, जैसे ही आपको पता लगेगा साउथ वेस्ट का अगला जो जोन है उसे वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं, पश्चिम दक्षिण पश्चिम जिसको हम कहते हैं, उसमें पहला जो पद है W3 का, दूसरा जो पद है W3 का वो पॉजिटिव होता है, ज्यादातर लोग उसको वेस्ट साउथ वेस्ट ही समझ रहे होते हैं। तो ये गलती आप ना कर रहे हो, अगर ये है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट की या साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आपको मिलती है जनरल तौर पर तो कर्जे की कारक हो सकती है। कुछ लोगों को ये फल जाती है जिनका राहु अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जनहित के लिए अगर हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपके घर में ये चीज हो, अगर है तो आपको बहुत बर्बाद कर सकती है। ओवरहेड वाटर टैंक है तो उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, और साउथ वेस्ट में अगर एंट्रेंस है तो उसको भी शिफ्टिंग ही एकमात्र उपाय है, इसका कोई रेमेडी नहीं होती। जो लोग इसकी भी रेमेडी कराएं वो भी गलत है और इसके उपाय नहीं मिल पाते। ओवरहेड वाटर टैंक बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स बना देते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा दोष है, स्पेशली हृदयाघात के लिए या सडन डेथ के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस क्या हुई? जैसे हमने साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की बात करी, इसके साथ में एक और दिशा आती है जो दक्षिण की तरफ आती है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में आने वाली ये दिशा, वहां पर अगर आपकी एंट्रेंस है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति वहां सो रहा है वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो यहां पर एंट्रेंस भी और सोना भी, ये दोनों चीजें आपको नुकसान दे सकती है। मैं फिर से बता दूं साउथ साउथ वेस्ट कहां होता है। अगर ये आपका घर है और इसको मैं 90 डिग्री एग्जैक्टली ईस्ट मान लूं, यहां 90 डिग्री वेस्ट होगा,
90 डिग्री वेस्ट नहीं हुआ, 270 होता है, लेकिन हाँ वेस्ट हो गया, और यहां पर साउथ हो गया जो 180 डिग्री पे हुआ। साउथ के 22.5 डिग्री को छोड़ने के बाद दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में जो ये दिशा बनती है इसको आप साउथ साउथ वेस्ट की दिशा कहते हो। आमतौर पर लोग जो है इसको भी साउथ वेस्ट मान लेंगे। तो एंट्रेंस के लिए तो आप फिर भी कह सकते हो कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होगी, आपने पहले भी ये बात बता दी, लेकिन जो व्यक्ति साउथ वेस्ट में सो रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने ये पाया है करते हुए कि जो व्यक्ति साउथ साउथ वेस्ट में, इसको डिस्पोजल की जोन कहा जाता है, यहां पर सो रहा होता है, उसको बीमारियां हो जाती हैं, उसको अपने कर्म का फल कभी भी नहीं मिलता, उसको हमेशा ये शिकायत रहती है मैं कितना भी कर्म कर लूं मेरे को कोई फायदा होता ही नहीं। तो आपको इससे भी बचने की सख्त जरूरत है। उसके बाद में चौथी चीज, वेस्ट की टॉयलेट। मैंने ये भी बहुत ज्यादा पाया है कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जो वेस्ट की, पश्चिम की जो टॉयलेट है वो बनवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिम दिशा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर जितने भी व्यापारी हैं पश्चिम दिशा में शौचालय होने के कारण उनको कभी कोई प्राप्तियां नहीं हो पाती। इवन मैं ये कहूंगा कि अगर आपका खाना सही तरीके से नहीं पचता उसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है पश्चिम दिशा की टॉयलेट का। इसका जो उपाय है, इसका फिर भी उपाय हो सकता है, बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उनका उपाय नहीं है। यहां पर लोहे की पत्ती, आयरन की स्ट्रिप अगर आप लगा देंगे टॉयलेट के चारों तरफ तो ये उपाय हो जाएगा और आपको इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन अगर वो टॉयलेट है तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, आपको बैंकरप्सी दे सकती है, आपके लोन्स खड़े करवा सकती है, आपके प्रॉफिट जितने भी हो रहे हैं उनको खा सकती है और आपका टाइम जीवन के अंदर वेस्ट करवा सकती है। पांचवा, ऐसी क्या चीज है जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए, वो है टी पॉइंट ऑफ साउथ। टी पॉइंट ऑफ साउथ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर आपका घर, जब मैं फेसिंग की बात करता हूं, बाहर निकलते वक्त दक्षिण मुखी है, मान लीजिए साउथ है और यहां आपका गेट है, अब वो कोई भी पद पर हो, चाहे वो S3 S4 जो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, अगर यहां पर डेड एंड आ रहा है, मतलब रोड जो आ रही है वो सीधा आपके घर पर आकर खत्म हो रही है, दिखाई दे रही है, या इस तरीके से रोड है तो आपके घर से अगर सीधा आ रहा है और दक्षिण मुखी वो है तो 100% है कि आपकी बर्बादी तय है और आपके घर में कभी पैसा नहीं रुकेगा और धीरे धीरे करके आपके ऊपर कर्जा और बहुत सारी विपदाएं आएंगी ही आएंगी। हो सकता है विपदाएं एकदम से ना आए, 2 से 3 सालों के अंदर आए, लेकिन आनी तो तय है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। इवन मैंने कई जगह पर यह भी देखा है कि किसी व्यक्ति ने ये बनाना स्टार्ट कर दिया और बनाते बनाते ही उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो गया कि उसने घर बना ही नहीं पाया, डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया कोई बड़ा और बहुत बड़ी दिक्कतें हो गई, तो उसका मन बेकार हो गया, तो उसने इस घर को बनाया ही नहीं। इन बातों को उस पर विशेष कर ध्यान दें। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की बोरिंग, 6 नंबर। साउथ ईस्ट क्या हुआ, इस बात को समझ लें, अगर ये आपका घर है तो अग्नेय कोण जिसको आप बोलते हो, हालांकि अग्नेय से बेहतर होगा दक्षिणी पूर्व जिसको हम बोलते हैं, ये जो दिशा है जो आपके ईस्ट के, मतलब पूर्व के और दक्षिण के बिल्कुल मध्य में 22.5 डिग्री का एंगल बनता है। ग्रिडेड मैप की हमेशा मैं बात करूंगा, जनहित में, नॉर्मली मत मान लेना इस बात को, बहुत गलत हो जाएगा। दक्षिणी पूर्व के अंदर अगर बोरिंग है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है और इसका भी कोई उपाय नहीं है, इसको आपको शिफ्ट ही करवाना होगा। आज आप सभी लोग इस बात के बारे में भी सोच रहे होंगे कि ज्यादातर मैंने वो उपाय बताए हैं जिनका कोई उपाय नहीं है, ये ज्यादातर मैंने वो दोष बताए हैं जिनका कोई उपाय नहीं है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हीं चक्करों में ज्यादातर लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं अलग अलग वास्तु कंसल्टेंट्स के पास जाकर और फिर अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो यहां पर दक्षिण पूर्व में बोरिंग का मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का मतलब क्या हो गया, या बोरिंग का मतलब क्या हो गया जिसको कुछ लोग समर सीवर कह देते हैं, या जमीन के नीचे का पानी जिसको आप ऊपर उठा रहे हो, ये बहुत ज्यादा दुखदायक है, जो बहुत ज्यादा गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्नर प्लॉट्स। मैंने पहले भी कॉर्नर प्लॉट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कॉर्नर प्लॉट्स में रहते हैं, बहुत सुखी हैं। ध्यान से इस बात को सुनना कि कौन से कॉर्नर प्लॉट्स की बात कर रहा हूं और मैं क्या इफेक्ट की बात कर रहा हूं। पहली बात तो कोई भी कॉर्नर हो, कॉर्नर का मतलब क्या होता है, ये अगर यहां पर सड़क है, दो साइड में सड़क है तो उसको कॉर्नर कह देंगे, चारों साइड में सड़क है तो भी वो कॉर्नर ही माना जाएगा। मिनिमम दो साइड में सड़क है, नॉर्थ की और ईस्ट की सड़क है तो फिर भी घर अच्छा होगा। अगर साउथ में और वेस्ट में है इस तरीके से बन रहा है तो वो 100% है
कि 10 से 12 साल में, 10 से 12 साल के बाद आपको जीरो कर देगा। ये 100% मैं बोल रहा हूं, जाकर चेक कर लो, आपका घर जीरो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैं बार बार बर्बाद बोल रहा हूँ तो इस बात को गलत मत सोचना, मैं वाकई में वो बोल रहा हूँ जो आप लोगों की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। और ना ही इसमें कोई ईगो है, ना ही इसमें कोई कॉन्फिडेंस है, ये एक रिसर्च है जिसमें ये सब चीजें पाई है। अगर आपको नहीं मिलती तो भगवान आप सभी का भला करे। मैं तो चाहूंगा कि इस तरीके की चीजें होने के बावजूद भी किसी की जिंदगी में कुछ बुरा ना हो। मेरा काम सिर्फ ये बताना है कि अगर ये सब चीजें हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो कॉर्नर है ये 10 से 12 साल के बाद आपको प्रॉब्लम देता है। नया घर है तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष कर ध्यान दें, अपने आसपास कॉर्नर प्लॉट्स को जरूर जाकर देखें और समझें इस बात को कि उसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को दी है। इन सात चीजों से हमेशा बचकर रहें ताकि आप जब भी कोई लैंड सिलेक्शन या कोई प्लॉट सिलेक्शन करने जाए या फ्लैट लेने जाए या अपना घर बनाए तो कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर आपको ये सब चीजें बता रहा हो तो उससे बचने की जरूर कोशिश करना। स्पेशली जो लोग कॉर्नर को अच्छा मान लेते हैं, स्पेशली जो लोग नॉर्थ ईस्ट को टॉयलेट को अच्छा मान लेते हैं, स्पेशली साउथ वेस्ट के अंदर एंट्री करा देते हैं या ओवरहेड वाटर टैंक करवा देते हैं, इन सभी बातों से बचने की कोशिश जरूर करना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।